वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर हेयर एंड आई आशुतोष डी वर्मा वेलकम यू ऑल इन टूडेज क्लास। स्टूडेंट, आज की जो क्लास हमारी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसी क्लास हमारी कल थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट क्लास आज की होनी है। आज हम कुछ उन बातों को जानेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स की इंग्लिश की समस्याओं में से एक होती है। अक्सर स्टूडेंट्स के सामने इंग्लिश के वर्ड्स की प्रोनंसिएशन को लेकर बहुत सी समस्या आती है। वो अक्सर इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वर्ड को कैसे प्रनाउंस किया जाए, उसका उच्चारण सही क्या किया जाए। मेरे पास ऐसे कई मतलब केसेस आए हैं जहां पर मैंने स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट किया है और वहां इस बात में वो काफ़ी ज़्यादा दुविधा की स्थिति में रहे हैं कि आखिर किस वर्ड को क्या प्रनाउंस करना है। वो नहीं समझ पाते हैं कि जो एक्यूरेट लिखा हुआ है क्या उसी को बोलना है या कुछ और। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम बात कर लेते हैं जी, तो कहीं पे जी आई जो है वो जी की आवाज़ देता है और कहीं पे जी आई जो है वो गी की आवाज़ देता है। अब जिंजर की बात करें तो जी आई ज बन जाता है और अगर गिफ्ट की बात करें तो जी आई जो है वो ग बन जाता है। तो ऐसे ही समस्याओं को सुन करके मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना वीक में एक सेशन कुछ ऐसा किया जाए जहां आपकी प्रोनंसिएशन प्रॉब्लम को थोड़ी बहुत दूर करने की कोशिश की जा सके। तो आज के इस सेशन में हम इसी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आज से मेरी कोशिश होगी कि मैं हर वीकेंड पर आपको प्रोनंसिएशन की एक क्लास दूं जहां आप की जो समस्याएं हैं इंग्लिश के उच्चारण को लेकर के उसे काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सके। तो आज की क्लास में हम आप देख पा रहे होंगे टाइटल मेरे पीछे बोर्ड पर, आपको मैं वह दिखा देता हूँ। आप देखिए टाइटल जो आज हमारा है वो क्या है, वो है साउंड ऑफ सी। अब साउंड ऑफ सी की बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ए नहीं बताया, बी नहीं बताया और सीधे सी पर आ गए। तो देखिए मैंने जो कॉमन प्रॉब्लम्स सामने निकल करके आई है मैंने उनसे ही लेना शुरू किया है और जहाँ जहाँ पे मुझे जैसे जैसे ये आभास होगा या मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे इस लेटर को अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके इस लेटर को मुझे यहाँ लेकर आपको बताना है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं मतलब आपकी हेल्प कर सकूं। सी, अब चलिए मैं सी की बात करता हूं। अब सी एक ऐसा लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जहां अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है। शायद आप में से भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें सी के उच्चारण यानी कि प्रोनंसिएशन को लेकर खासी समस्या रही होगी। उदाहरण के तौर पे अब बात करते हैं तो सी हमें कहीं जो है स की आवाज़ देता है और सी हमें कहीं क की आवाज़ देता है। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए, आखिर ऐसा क्या समाधान है, सॉल्यूशन है जहाँ पे सी और मतलब सी को स और क के अंतर को सी के द्वारा जाना जाए। तो आज की इस क्लास में मैं आपको ऐसे ही कुछ बातें बताऊंगा जिनके आधार पर आप हमेशा के लिए, मेरा ये मानना है कि इस क्लास को
मतलब देखने के बाद इस क्लास को, सुनने के बाद, जानने के बाद इस क्लास में से, जानने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम होगी, जो प्रॉब्लम आपकी सी लेटर के साउंड से लेकर के है, वो हमेशा के लिए जो है वो फिनिश हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी। चलिए उम्मीद करते हैं इसी फीलिंग को लेकर के आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव ही कुछ होना है, पॉजिटिव कुछ होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। साउंड ऑफ सी, सी सी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सी हमें दो आवाज़ देता है। जरा ध्यान देखिएगा, सी हमें दो आवाज़ देता है। सी हमें पहले कहता है स, सी हमें पहले स की आवाज़ देता है। और अगर मैं बात करूं तो नंबर टू पे सी जो है वो हमें क की आवाज़ देता है। अब सी को स और सी को क, सी को स और सी को क कब बोला जाए, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या मतलब सामने देखने को मिलती है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे स लिखा है और मैंने यहाँ पे क लिखा है। अब मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो जैसे मैंने कहा आपको सिनेमा, स दे रहा है। मैंने कहा आपको सीमेंट, तो आप देख रहे होंगे कि ये हमें क्या दे रहा है, फिर से स की आवाज़ दे रहा है। मैंने कहा आपको साइबर, तो साइबर भी जो है वो हमें किसकी आवाज़ दे रहा है, ठीक है, वो हमें किसकी आवाज़ दे रहा है, वो स की आवाज़ दे रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ के एग्जाम्पल पे अगर मैं आऊँ, अगर यहाँ आकर के देखूँ, तो यहाँ मुझे मिलता है CAR, कार, ठीक है, CAR कार मिल जाता है। अब कार का एग्जाम्पल अगर आप देखें ध्यान से, तो कार के अंदर सी जो है वो क की आवाज़ दे रहा है, ठीक है, कार के अंदर सी जो है वो हमें क की आवाज़ दे रहा है। वैसे अगर मैं बात करूँ आपसे तो कॉफ़ी, ठीक है, अगर बात करूँ आपसे तो कॉफ़ी वर्ड के अंदर भी सी जो है वो हमें क की आवाज़ दे रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि कॉफ़ी वर्ड के अंदर भी जो है वो हमें सी जो है वो क की आवाज़ दे रहा है। अब एक बात को आपको समझना पड़ेगा, एक बात को आपको जानना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे सी को स बोलना है और कहाँ हमें सी को जो है वो क बोलना है। मैं आपको बता दूँ, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है इस बात को जानना कि कहाँ सी हमें क बोलेगा और सी हमें स बोलेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं, देखिए सी की अगर बात करूं मैं, तो सी को स हम कहाँ बोलते हैं, सी को हम स बोलते हैं कहाँ पे, सी प्लस क्या, या तो हमारे पास ई हो या आई हो या वाई हो, ठीक है, जब हमारे पास सी के साथ या तो ई, मतलब देख साथ देख पा रहे होंगे कि अगर मैं बात करूं तो जब सी के साथ ई होता है तो हमें मिलता है स की आवाज़, ठीक है, जब सी के साथ ई होगा तो मिलेगा स की आवाज़, जब सी के साथ आई होगा तभी भी हमें मिलेगा यहाँ पे स की आवाज़, और जब सी के साथ वाई होगा तो मिलेगा हमें स की आवाज़। इसके अलावा जहाँ भी सी होगा वहाँ वो क की आवाज़ देगा। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या कहा है, आई ई वाई, ठीक है, आई ई वाई, या आप कह सकते हैं ई आई वाई। अगर हम सीक्वेंस, अल्फाबेट के सीक्वेंस में लें, तो अल्फाबेट के सीक्वेंस में जो है वो हमें जो है पहले ई मिलेगा, तब आई मिलेगा, तब वाई मिलेगा। ओके, तो इट मीन्स मैंने क्या बताया कि जब हमें ये तीन में से कोई एक, या तो ई या तो आई या फिर वाई, इन तीनों में से अगर हमें कोई एक मिल जाता है तो हम सी को स बोलेंगे, अदरवाइज हम हमेशा ऑलवेज सी को क बोलेंगे। क्लियर आ गया, क्लियर, आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने आपसे क्या कहा है। अब दोबारा देख लीजिए, मैंने आपको कहा है कि सी आई ई वाई के साथ स है, बाकी सब के साथ क है। दोबारा सुन लीजिए, सी
आई ई वाई के साथ स है, बाकी सबके साथ क है। अब आप थोड़ा सा इसके प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा इसको जानने की कोशिश कीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो सी के लिए स और क की कन्फ्यूज़न थी वो अब हमेशा के लिए आपकी मतलब फिनिश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और जितना आप बेहतर प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप मतलब उच्चारण के मतलब साउंड को मतलब प्रोनाउंसिएशन की बात करूं अगर, तो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। और अगर मैं साउंड की बात करूं तो डिफरेंट हो जाती है। मैंने आपको शुरू कहा था प्रोनाउंसिएशन कहा था आपको मैंने, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन और साउंड में थोड़ा सा अंतर है। साउंड जो है वो मतलब उसका एक पर्टिकुलर जो है वो मोड को एक्सप्रेस करता है, जबकि प्रोनाउंसिएशन जो है उसके मोड ऑफ एक्सप्रेशन विद द जो है स्टाइल को शो करता है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन में हम प्योर मतलब प्योर जो मतलब उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन है उसको दिखाते हैं, जबकि साउंड में हम उसके जो हैं वो मोड ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझे आपको समझ आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास में आपने जो है सी को स और सी को क कब बोलना है या आपने मतलब समझ लिया है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऑन द सेम डे, डेट इज सैटरडे। तो नेक्स्ट वीक ऑन सैटरडे वी आर मीटिंग अगेन विद अ न्यू लेटर ऑफ अल्फाबेट वेयर we face always confusion while we go for its pronunciation, means here we can say sound also, okay. So let's meet again on next Saturday with the same chapter with a new letter. Till then, have a great day to all of you and enjoy your Saturday with your Sunday, but don't forget to have the classes, okay. Till then, have a great day to all of you, okay?